दोस्तों, मैं इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल है आइकॉन है उसको भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। इस समय हम लुधियाना शहर में खड़े हैं और जहां से कुछ ही दूरी पर हमारा जो पुराना किला है और किले के बीच में जो रास्ता है थोड़ा सा वो रेसिंग ग्राउंड का है, उसके बाद ये थापरों का महला है। इसे यहाँ पर आबाद हुए कई सौ साल हो चुके हैं, तो आज यहाँ पर एक हम आपको ऐसे स्थान पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर समाधि बनी हुई है और उस समाधि में जो चिराग है सुबह शाम उसकी सेवा में जलाया जाता है और 70 साल से ये एक परिवार जहाँ पर उनकी सेवा कर रहा है। तो आज ये दिखाते हैं आपको हम जलती है जहाँ दीपक जलता है, जहाँ दिया जलता है और वहाँ पर सुबह शाम उसकी सेवा में जो लोग हाजिर होते हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। और सामने गीता मंदिर है। गीता मंदिर जो है कि यहाँ पर 1947 में जो रिफ्यूजी लोग आए थे पाकिस्तान में, लोग गीता पढ़ते थे और जितने रिफ्यूजी लोग आए थे उन्हें गीता में बहुत विश्वास था और गीता वो साथ लेकर आए थे और जगह जगह पर उन्होंने जहाँ जहाँ वो बसे वहाँ पर गीता मंदिर बनाए थे। और ऐसा ही गीता मंदिर जहाँ दृश्य ग्राउंड में है तो जहाँ पर लोग गीता पढ़ते थे। तो उसके बाद ये थापरों का महला है। ये देखिए ये पेड़ कितना बड़ा उग चुका है इसके बीच में। ये पुराना देखिए, ये सीढ़ियाँ दिखाइए ऊपर, वो सीढ़ियाँ देखिए कहाँ से शुरू होती होंगी और कहाँ ख़त्म होती होंगी। ये देखिए सीढ़ियाँ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए और देखिए पेड़ जो है ऊपर से ऊपर कितना बढ़ चुका है। बाहर आपको दिखाई नहीं दे रहा पेड़, ये कई सौ साल पुराना जो बिल्डिंग बना हुआ है। तो हम धीरे धीरे ये थापरों के महल्ले में पहुंच चुके हैं। ये बिल्डिंग उस थापरों के महल्ले में है। तो अब जहां पर हम जा रहे हैं वो आपको साथ दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग है, उसके चकोर से पता लगता है 400-500 साल पुरानी ये बिल्डिंग हो सकती है। और जहाँ पर ये कुआं होता था, जैसे हमने आप बताया कि यहाँ पर महंतों की समाधि बनी हुई है और इस समाधि के जो बाहर जो महंत लोग जहाँ पर पहले रहते थे, आज से 300-500 साल पहले जो महंत रहते थे, तो उनके जो कुआं है जहाँ से पानी वगैरह लेते थे। और ये देखिए कुएं के निशान बने हुए हैं और ये चक्की का जो जहाँ पर पार्ट भी पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए आटा पीसने वाली चक्की का जहाँ पड़ा हुआ है। इस समय हम आपको पुरानी हिस्ट्री दिखा रहे हैं लुधियाना शहर की। और ये देखिए ये छोटी ईंटों के जो घर बने हुए थे पहले, और इसके पीछे जैसे महंतों की समाधि है। और इस बिल्डिंग में जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पर चिराग जलता है, ज्योत जलती है। तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको 70 साल हो चुके हैं। ये देखिए पुरानी जो है, ये पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और ये 500 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। और देखिए चारों तरफ ये पुरानी बिल्डिंग है पुराने शहर में। और देखिए जो निकासी की गई है छोटी छोटी ईंटों की, वो सामने देखिए कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग है जी यहाँ पर। और जहाँ पर 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं 1947 से जहाँ जो लोग रह रहे हैं वही सेवा कर रहे हैं। तो हम आपको धीरे धीरे उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर बाबा जी की समाधि है। बाबा जी का ये स्थान आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पुराना है। और ये जो है समाधि है साधु महात्माओं की, और जहाँ पर जो कोई आता है मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है। तो अब ये जीर्ण और उद्धार इसका जो दोबारा को इसको रिपेयर कर दिया गया है। देखिए जहाँ पर ये पुरानी ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये पुरानी ईंटें ही हैं इस जो ये समाधि बनी है। तो पुरानी ईंटों के ऊपर ये टाइल वगैरह लगा कर इसको प्लस्तर वगैरह करा कर इसका पुनर्निर्माण किया गया है। तो
ये जो खड़ाव रखी है, तो हम जब ठाकुर द्वारा नोरिया में बाबा जी के पास गए, गौरव बाबा जी, तो उसने बताया कि हमारे को 500-600 साल जहाँ पर हो चुके हैं सेवा करते हुए ठाकुर द्वारा नोरिया में, तो जहाँ पर खड़ाव हैं और जो जिनकी बाबा जी की समाधि बनती है उनकी खड़ाव जहाँ पर रखी जाती हैं, ये पहनकर जो बाबा जी हैं वो चलते थे, लेकिन आज जहाँ पर ये उनके खड़ाव हैं, जैसे हम चप्पल पहनते वैसे खड़ाव पहनते थे ये लोग, जितने भी साधु संत महात्मा होते थे हिंदू समाज में, तो आज देखिए ये हिंदू समाज में जो आज जहाँ समाधि बनी हुई है, तो जहाँ पर पहले तो बहुत देर दिया जलता होता था, लेकिन अब सुबह शाम ही दिया जलाया जाता है जहाँ पर, पहले तो जब मैं कुछ वर्ष पहले आया था तो लगातार ही जहाँ पर दिया जलता था, लेकिन अब सुबह शाम जहाँ पर जोत जगाई जाती है, ये बाबा जी का स्थान है, ये बाबा जी की समाधि है। तो अभी जहाँ पर जो महंत हैं या जो सेवादार हैं या जो लोग जहाँ रहते हैं वो जो यहाँ सेवा करते हैं, उनसे हम आपकी अभी थोड़ी देर में मुलाकात करवाते हैं, वो हमें विस्तार से बताएंगे कि वो कैसे जहाँ पर देखे, जहाँ पर ये बाबा जी की जो समाधि है, जहाँ पर ये खड़ाव रखी हैं, जो जहाँ पर सर झुकाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। किसी को नहीं पता लुधियाना शहर में कि ये जो एक स्थान है जहाँ पर साधु संत का समाधि ली हुई है, जिन्होंने आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पुराने जहाँ पर जो कभी आए होंगे जैसे साधु संत, तो आज यहाँ पर समाधि में हैं, और ये जो खड़ाव रखी हुई हैं उनके पादुचरण जो हैं, जो हमारे हिंदू समाज में साधु संत पहनते हैं, तो ये देखिए उनके दर्शन कीजिए आप भी। जो पुरानी है, बरसों पुरानी बिल्डिंग है ये, जब जे लुधियाना में जहाँ पर रहने, जहाँ से मुसलमान जब गए, तो जहाँ पर हिंदू जो लोग थे वो रहने के लिए जहाँ जगह जगह मिली उन लोगों ने वहाँ पर अपना स्थान बनाया। तो ये देखिए आज ये जो बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, जैसे मैंने पहले बताया था, आज हम दृष्टि ग्राउंड के पास थापरों के मोहल्ले में आए हैं, और पीछे मेरे जो समाधि बनी है ये महंतों की समाधि है। अभी हमको जानकारी मिली है कि जहाँ पर महंत रहते थे ये महंतों का डेरा है। आजकल महंत जबद्दी वगैरह में कहीं रहते हैं, लेकिन अप्रैल में जब रामनवमी होती है तो उसके दसवीं वाले दिन जहाँ पर भंडारा भी लगता है, और जहाँ पर ये सात जो प्लाट है वहाँ पर भी समाधियाँ हैं यहाँ पर बनी हुई, और जहाँ पर आज से 50-60 साल पहले 50-60 लोग एक मिनट में इकट्ठे हो जाते थे, यानी 50-60 लोग जहाँ पर रहते थे, ये बेड़ा बना हुआ है, 10-15 परिवार जहाँ पर बसे हुए थे, किराए पर रहते थे, तो पहले ये महंतों का डेरा था, उसके बाद जहाँ पर लोगों को रेंट पे दे दिया गया, महंत चले गए दूसरी जगह पर, और जो समाधि हैं आज भी जहाँ पर बरकरार हैं, बनी हुई हैं, और जहाँ पर अभी हम बातचीत कराते हैं जो लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, उनसे हम बातचीत करके आपको बताते हैं कि वो हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। 70 साल से इनका जन्म यहीं पर हुआ है, इनके फादर साहब जहाँ पर रहते थे, उनके बाद ये भी 60 और 65 साल की इनकी उम्र हो चुकी है, तो ये हमें बताएंगे, ये सेवा भी करते हैं, या चिराग भी जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, आरती भी करते हैं। राजकुमार जी, इसके बारे थोड़ा सा बताइए कि आप जो बाबा जी की, महंत जी की समाधि है, इसको आप कब से सेवा कर रहे हो, इसका यानी कि क्या महत्व है इधर? जय श्री राम जी। ये बाबा जी की समाधि बहुत पुरखों से बनी हुई है, हमें मेरे माता पिता जी को जहाँ 70 साल हो गए यहाँ रहते थे, मेरा जन्म भी यहाँ का ही है, मेरी 66-66 साल की उम्र हो गई है, तो मेरे माता पिता जी भी यहाँ सेवा करते थे, और भी जितने किराएदार जहाँ रहते थे, 7-8-10 किराएदार जहाँ रहते थे इसी बेड़े में, तो वो सभी सेवा करते थे। तो जो इनके मालिक जो महंत हैं वो भी आते जाते हैं, कभी दसवीं को आते हैं, कभी आम दिनों में भी वो जब उनका दिल करे। बाकी जिनके ये गुरु हैं ये वो जगराओं में रहते थे जो बानिया परिवार से, उनके जब किसी भी बेटी की या बेटे की कोई भी शादी होती थी तो सबसे पहले वो डोली जहाँ पर ला के माथा टेक के फिर अपने घर जाते थे। तो बहुत मानता है इनकी, बहुत कृपा है, बहुत अपार कृपा है सभी पे। तो इनका 15-20 साल हो गए, रामनवमी के दूसरे दिन दसवीं वाले दिन बाबा जी का हमन होता है, भंडारा होता है, जैसी भी उनकी कृपा होती है, तो उन्हीं के कृपा से सारा परिवार जहाँ पर रहता है। राजकुमार जी, आपने मेरे को बताया था कि आपके पास एक परिवार आया था, वो बहुत दुखी था, उनके लड़के की डेथ हो गई थी, तो वो थोड़ा सा बताइए। जब हाँ, 7-8 साल हो गए हैं, मेरा एक दोस्त था, वो उसके लड़के की डेथ हो गई थी, तो उसकी बीवी भी उसके साथ थी, उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या है, मैंने बताया ये मंदिर है यहाँ बाबा जी का, तो उन्होंने आए, रोए, माथा टेका, बाबा जी से बड़ा बर्लाप किया कि बाबा जी हम बहुत दुखी हैं,
तो तुरंत बाबा जी ने उसी रात को बाबा जी ने उनको उनके घर में ही सपन में दर्शन दिए कि बाबा जी वो बोले कि बेटा घबराओ मत, बस अब नज़दीक ही है, आप चिंता मत कीजिए। तो इनकी इतनी अपार कृपा है, कभी कभी इनके दिखाई दिए यहाँ पर नहीं, मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन परिवार के काफ़ी मेम्बरों को जहाँ दर्शन हुए। ये सफ़ेद बाणे में हैं, पांच संत हैं, मेरे माँ बाप मेरी माता जी को अक्सर दर्शन होते रहते थे इनके। यहाँ पर ये रहते हैं, आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुए? हाँ जी, जैसे ना बारो बाहर से आते हैं, उनके हाथ में सीपी होती है, चिट्टा बाना डाला हुआ उनके, बस ये यहाँ से जाकर फिर ऊपर चल जाते हैं, ऐसे घूम कर ऐसे आते हैं, दर्शन एक दो बार हुए हैं मुझे। तो इन्होंने बताया कि दर्शन होते हैं, सफ़ेद बाना होता है, तो इन्होंने हाथ में एक सिप्पी होती है पानी वाली, पहले संत लोग रखते थे, तो उनके हाथ में होते हैं, इधर घूम के बाहर से चले जाते हैं, यानी कि इनको रात को या कभी कभार सपने में भी दिखाई देते हैं बाबा जी जहाँ पर घूमते हैं। और देखिए जहाँ पर जो मोहल्ले वाले लोग हैं, थापड़ों के मोहल्ला जो दृशि ग्राउंड के पास है, ये लोग भी जहाँ पर समाधि पर सेवा करने के लिए सुबह शाम आते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर इतने थोड़े को जो मन्नत मांगते हैं कि जो सेवा करते हुए पूरी होती है, ज़्यादा तो ऐसे सेवा करते। तो इन्होंने बताया कि ये जो समाधि है बाबा जी महंत जी की समाधि है, पांच जहाँ पर महंत की समाधि है, ये खड़ाव जो रखी हुई है, राजकुमार जी बताइए खड़ाव कब से रखी हुई है? ये तो थोड़ी देर से रखी है, जब भंडारा होता है कभी बदल देते हैं कभी नहीं। तो देखिए ये खड़ाव का जो प्रचलन है, तो जहाँ पर रखा हुआ है, जब सदियों से जहाँ समाधि बनी हुई है, तो जहाँ पर खड़ाव रखी गई है, और देखिए जहाँ पर ये घर था, इसमें भी किराएदार रहते थे, जहाँ पर 12-15 किराएदार जो छोटे छोटे कमरों में रहते थे, और जैसे राजकुमार जी ने बताया कि यहाँ पर 50-60-70 लोग यहाँ पर आज से 50-60 साल पहले इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि पुराना शहर था, पुराने शहर में लोग छोटी छोटी जगह पर रहते थे। तो आप दर्शन कराओगे थोड़े से राजकुमार जी? सारे करवा दीजिए, देखिए राजकुमार जी हमको दर्शन करा रहे हैं बाबा जी के, ये पाँच समाधि हैं, और देखिए इनको देखिए ये दर्शन कीजिए, आपको दर्शन करवा रहे हैं लुधियाना शहर में सैकड़ों वर्ष पुरानी जो समाधि बनी हुई है महंतों की, ये पांच समाधि हैं जो महंतों की, इनके दर्शन कीजिए। लुधियाना शहर में सैकड़ों वर्षों से ये समाधि बनी हुई है, जहां पर छोटी ईंट के जो घर बने हुए हैं, जहां पर 500-600 साल हो चुके हैं, जहां महंत होते थे, महंतों के हाथ में एक सिप्पी बड़ी होती थी, सिप्पी जो होती है, और उसके बाद जो खड़ामे वगैरह होती थी वो पहनते थे, वो आज जहाँ पर ये रखी हुई हैं। तो थोड़ा सा वो देखिए जहाँ पर ये टाइल वगैरह लगा दिए, इससे पहले यहाँ छोटी ईंट का ये देखिए जहाँ पर ये इनका सामान जहाँ रखा हुआ है। और देखिए हमने आपको दिखाया कि ये जो सदियों पुरानी जो समाधि बनी हुई हिंदू महंतों के ऊपर दिखाई, अंदर अंदर भी चलिए, और देखिए ये गुंबद भी बना हुआ है यहाँ पर, श्रद्धा से जो जहाँ पर आता है, श्रद्धा से जो सर झुकाता है, बाबा जी उसे दर्शन देते हैं, बाबा जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, और बाबा जी की जो सेवा कर रहे हैं जहाँ परिवार, वो कहते हैं हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर बना लिए, लेकिन वो यही रहना पसंद कर रहे हैं कि घर तो हमारा बन गया, जहाँ से बाबा जी से दूर जाने को हमारा मन नहीं करता, हम तो इनकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, इनका नाम लेकर घर से निकलते हैं और इनका नाम जपते हुए अपने घर आ जाते हैं। पल का पेड़ उसके साथ पुराने जो घर बने हुए हैं द्वारा, फिर दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पर कोई ना कोई रेंट पे रहता है, अब इसके बीच में रेंट पे रहते हैं लोग, सामने भी दो फैमिली अभी भी रहती हैं यहाँ पर। पौड़ियाँ किधर से इनकी? अच्छा इधर से पौड़ियाँ हैं, साथ से दो परिवार रहते हैं, बाकी छोड़ के चले जा चुके हैं, जो घर उनके नए बन चुके हैं। और देखिए जो गुंबद दिखाई ऊपर से थोड़ा सा, वो देखिए ये आज से नहीं सदियों पुराना जो हमने आपको महंतों की समाधि के दर्शन कराए हैं, जहाँ पर जो भी कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता, मनोकामना पूरी होती है, किसी को पता नहीं लुधियाना शहर में सदियों से जहाँ पर जो एक समाधि बनी है महंतों की, तो वहाँ पर सर झुकाने से हर मन्नत पूरी होती है। वैसे जो हमारे अग्रवाल समाज हैं वो जहाँ पर आते हैं उन्हीं के गुरु हैं, लेकिन आज हर कोई यहाँ पर सर झुकाता है आके। अभी हमने आपको दिखाया कि जो सदियों पुरानी थापरा मोहल्ला में दरेसी के पास महंतों की समाधि बनी हुई है, वहाँ पर चिराग जलता था, लेकिन आज सुबह शाम ही जहाँ पर
ज्योत जगाई जाती है, आरती की जाती है, प्रभु को याद किया जाता है, मंत्रों को याद किया जाता है, साधु महात्माओं के दर्शन किए जाते हैं। और जहाँ पर जो लोग किराए पर रहते हैं, 70-80 साल से जो लोग जहाँ रह रहे हैं, उन्हें दर्शन हुए हैं बाबा जी के, सफ़ेद बस्त्र पहनते हैं वो, और रात को कभी अंदर या बाहर जाते हैं। और साथ वाला जो एक प्लाट है वहाँ पर भी समाधि थी, लेकिन वो अब खाली प्लाट पड़ा है, वो इसके साथ ही है वो जो जो ये समाधि बनी हुई है। तो आज जो हमने आपको ये दृश्य दिखाया है, जो हमने भगवान जी के दर्शन कराए हैं, महंत जी के दर्शन कराए हैं और उनके जो स्वरूप हैं उनके दर्शन कराए हैं, तो ये हमारे राजकुमार जी जहाँ सेवा करते हैं, उन्होंने बताया कि हम जहाँ पर इसलिए रह रहे हैं कि सुबह शाम इनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। और सदियों पुरानी, आज से नहीं, 8, 10, 20 साल नहीं, इनको 200, 300, 400 साल हो चुके हैं, किसी को नहीं पता इनकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन 100 साल, 200 साल से ऊपर हो चुके हैं। जो समाधि बनी हुई है, किसी ने ही नहीं देखा कि कौन महंत थे, लेकिन आज जो जुबद्दी में महंत रहते हैं वो कभी कभार जहाँ पर आते हैं। और मेला लगता है जहाँ पर अप्रैल के अगले दिन 10वीं में, रामनवमी के बाद, श्री पल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।